जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। IRS YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम RS मीन्स 2021 GS1 Unit 2 इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन देखेंगे। ये इकोनॉमिक का सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ग्लोबलाइजेशन, बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट, सब्सिडीज़, पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस। पार्ट बी में है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड ट्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्सेट्रा। पार्ट सी में हमारे पास इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आती है, जिसमें एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, PPP, स्टेट बजट, बेसिक सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा आती है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज दैट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है और ये ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी टॉपिक से आया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है रिफाइनरी का। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज, टोटल वेट होता है इनका 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ बायोमास एनर्जी इन इंडिया, इन राजस्थान। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ बायोमास एनर्जी इन राजस्थान। अगर देखा जाए तो बायोमास एनर्जी का ज़्यादा रोल नहीं है राजस्थान में, फिर भी हम देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे बायोमास एनर्जी बनती है। फर्स्ट, ये विलायती कीकर जिसको बोलते हैं, ये राजस्थान के हर एक व्यक्ति को पता होगा कैसा दिखता है, क्या है। इससे बायोमास एनर्जी बनती है और एक इन्वेजिव स्पेसी है, नॉट नेटिव टू इंडिया। सो इट्स साइंटिफिक नेम इज़ प्रोसोफिस जूलीफोरा एंड अदर वन इज़ फॉरेस्ट्री एग्रो रेजिड्यूज सच एज मस्टर्ड स्टॉक एंड हस्क एंड देयर इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज। ये इनकी प्रोसेस से बायोमास एनर्जी बनती है राजस्थान में। और भी तरीके होते हैं बायोमास एनर्जी बनाने के, जैसे कि बगासे, अदर रेजिड्यूज, स्लरी एक्सेट्रा। अगला प्रश्न आता है, राइट मेजर आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन इंडियन बजट। बेसिकली पांच बड़े हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट पेमेंट एंड सर्विसिंग ऑफ डेट। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट एंड सर्विसिंग में जाता है, उसके बाद ग्रांट्स एंड लोन्स में जाता है, डिफेंस, पेंशंस, रोड एंड ब्रिजेस। सो ये आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्टिव एंड नेम ऑफ फंडिंग एजेंसी ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। सो बेसिकली इट आस्क्ड इन 2 नंबर 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो 2 मार्क्स में वैसे ही 15 शब्दों की सीमा होती है, तो इसका ऑब्जेक्टिव वैसे वेबसाइट पे तो इन्होंने ये दे रखा है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट इज़ टू सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम इन सिलेक्टेड लोकेशन ऑफ राजस्थान। बट 2 नंबर में इतना लिखूँ इतना समझदारी नहीं है। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज एग्री प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम एंड फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक। शब्दों का चयन करना भी एक गुण है मेंस एग्जामिनेशन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2 नंबर में पूछा है। तो आसान प्रश्न है, सभी ने इसकी डेफिनेशन तैयार कर रखी होगी अपने तरीके से। यूनेस्को डिफाइन करता है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट
जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बेसिकली आप संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं कि उनके इस्तेमाल करने से भविष्य की पीढ़ी को कोई नुकसान नहीं होता, वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं. अगला प्रश्न आता है, डिफाइन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर इन इंडिया. यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं. ये अभी 2020 में ही इसकी डेफिनेशन चेंज करी गई थी. पहले इसकी डेफिनेशन का क्राइटेरिया दूसरा होता था, उसके बाद ये क्राइटेरिया बना दिया कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज या सर्विस रेंडरिंग एंटरप्राइजेज अगर उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है और टर्नओवर 5 करोड़ का, तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे. और स्मॉल एंटरप्राइज में 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर, और मीडियम एंटरप्राइज में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर. पहले सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अलग अलग आंका जाता, पहले इनके दोनों की डेफिनेशन अलग अलग थी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की. बट आफ्टर चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ MSMEs, द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस MSMEs आर बींग रिमूव्ड एंड दे विल बी डिफाइन सिमिलरली ऑन द अबव बेसिस ऑन टर्न ओवर एंड इन्वेस्टमेंट. अगला प्रश्न है, ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि समर्थ स्कीम 2019-20 में लॉन्च हुई थी, तो थोड़ा आउटडेटेड करंट अफेयर था. बट स्टिल दे आस्क्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समर्थ स्कीम ऑफ राजस्थान. सो बेसिकली समर्थ स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टू 1 लाख यूथ्स बिलोंगिंग टू पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन एवरी ईयर. इट ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स रीस्केलिंग एंड अपस्केलिंग ऑफ वीमेन पीपल ऑफ मार्जिनलाइज एंड स्पेशली एबल्ड पर्सन विल बी डन एंड इट इज 100% फंडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल द प्रोसेस आर फ्री. मीन्स बेसिकली रजिस्ट्रेशन एंड एक्सेट्रा आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इट इज़ डन बाई द राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PSU ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था. प्रश्न 8, वॉट इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना फॉर एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. बेसिकली इट आस्क फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सोशल सेक्टर पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी एंड दिस स्कीम एनविसाज्ड टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट बेस ऑफ वर्कर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट्स. बेसिकली ये कोविड से पहले भी इकोनॉमी स्लो ही चल रही थी, तो उस इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी. उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो EPS और EPF का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, वो गवर्नमेंट पे करेगी 12%, जिसमें से 8.33% EPS का होता है और 3.67% EPF का होता है. ये गवर्नमेंट पे करेगी और ये सभी नए कर्मचारियों के लिए भी एप्लीकेबल होगा. दस इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस स्कीम हेल्प्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेज, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019. दो इट इज़ आउटडेटेड स्कीम, आई मीन 3 से 4 साल पुरानी स्कीम पूछी जा रही है, तो इसको हम एक जर्नल ओवरव्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी? इन्वेस्टमेंट या तो मैन्युफैक्चरिंग में होगी या तो सर्विस सेक्टर में होगी. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा. दूसरा पॉइंट होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे होगी और इन्वेस्टमेंट में क्या होगा. तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. कहाँ बढ़ेगी? राजस्थान में. दूसरा पॉइंट ये हो गया.
तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये किस किस एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल होगा, तो न्यू पे भी होगा और पुरानी पे भी होगा। अच्छा, ये कैसे एप्लीकेबल होगा, इसके लिए कैसे प्रयास करे जा सकते हैं, ऑनलाइन करे जा सकते हैं। सो बेसिकली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन राजस्थान टू इंक्लूड बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड ऑन न्यू और एक्सपेंशन एंटरप्राइजेज और बोथ। मीन्स इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन न्यू एंटरप्राइजेज एज वेल एज एग्जिस्टिंग इन ऑर्डर टू एक्सपांस देयर ऑपरेशंस एंड द प्रोसेस इज कम्प्लीटली मेड ऑनलाइन, दस फुलफिलिंग द गोल ऑफ SDG 8 सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ऐसे कुछ प्रश्नों का आइडिया लगाया जा सकता है बेसिक नॉलेज के साथ भी। अगला प्रश्न है, राइट एनी 5 एम्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान 2021-25। ये बेसिकली हार्ड क्वेश्चन है बिकॉज नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन दैट दे विल आस्क इन सच अ डीप, बट एनी हाउ वी हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन। सो लेट्स डिकोड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक करता है पैसे देने का काम करता है। किसको देता है? डेवलपिंग नेशंस को देता है। क्यों देता है? डेवलपमेंट के लिए कंसेशनल लोन देता है। सो ऐसा ही है वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्लाइमेट चेंज। अगर ऐसे में इसमें वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? फाइनेंस करेगा। किस लिए फाइनेंस करेगा? अडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए। किनको फाइनेंस करेगा? प्राइवेट को भी और डेवलपिंग कंट्रीज को भी। सो बेसिकली फर्स्ट एम वॉज प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंस फॉर अडेप्टेशन एंड रिडक्शन ऑफ इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, सपोर्टिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोर्टिंग बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, बिकॉज वर्ल्ड बैंक गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट ऑल्सो एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ऑल्सो इट प्रोवाइड पॉलिसी एंड एक्सपर्टीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू रीच देयर क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, दस अबव प्लान हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। सो ऐसा एक तोड़ मरोड़ के एक प्रश्न का उत्तर बनाया जा सकता था जर्नल आइडिया के साथ भी। प्रश्न 11वां, यहाँ से 10 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। व्हाट आर द की मेजर्स पर्टेनिंग टू इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान इन इंडिया? सो आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत न्यूज़ में भी था। इट इज़ अ बेसिकली अ स्टिमुलस पैकेज ऑफ अराउंड 20 लाख करोड़, विच इज़ एस्टिमेटेड 10% ऑफ द GDP। सो आत्मनिर्भर भारत अभियान इज इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़ टुवर्ड्स बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट सेल्फ रेजिलियंट इंडिया। बेसिकली पेंडेमिक ने इंडिया के इकोनॉमी को डिवास्टेटेड कर दिया था, तो उसको उभरने के लिए, उस स्लो डाउन उस रिसेशन से उभरने के लिए गवर्नमेंट ने एक फिस्कल स्टिमुलस फिस्कल पैकेज की अनाउंसमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब प्रश्न ने पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत ने इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या योगदान दिया? पूरे 5 कंपोनेंट नहीं पूछे, सिर्फ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछा। तो इंडस्ट्रीज में इन्होंने दिए कि भाई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बिजनेसमैन को प्रोवाइड करे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए टू इंक्रेज स्केलिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, रिविजन ऑफ डेफिनेशन ऑफ MSME, EPS एंड EPF कॉन्ट्रीब्यूशन करा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने वाइबिलिटी गैप फंडिंग करी। वाइबिलिटी गैप फंडिंग वो होती है कि जो किसी प्राइवेट प्लेयर ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू करा और बीच में किसी कारणवश उसको पूरा करने के लिए पैसा नहीं बचता, तो वो जो जितना पैसा चाहिए होता है उस गैप को फिल करती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग। दूसरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये 111 लाख करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट नेशनल मोनेटाइजेशन
pipeline where private players will operate public assets in return of fee, such as for example Jaipur airport was given to the Adani. तो ये ऐसे project हो गए national monetization pipeline. दूसरा हो गया increasing capital expenditure in road, railways etc. capital infrastructure, capital expenditure use करा जाता है assets creation के लिए, such as roads, railways etc. thus आत्मनिर्भर भारत अभियान not only providing a necessary push to industry and infrastructure after pandemic, but also resolving the issue of jobless growth and a right step towards self-reliance. India was facing jobless growth because our manufacturing sector is not doing well and it's not accommodating much people. Hence, industry or manufacturing or infrastructure की वजह से employment generation ज़्यादा होगा, जिससे jobless growth की problem में सहायता मिलेगी. अगला प्रश्न है, describe Chief Minister 7-point program for empowerment of women in Rajasthan. ये 2009 के आसपास का प्रोग्राम है. बड़ा कठिन था क्योंकि जब इतना पुराना करंट अफेयर था तो कैसे उसको पूछ लिया. सो बेसिकली इट्स कम्स इन टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम ऑफ राजस्थान, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सो अब इसमें वाइल्ड गैस लगाए तो क्या कर सकते हैं. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैसे करा जा सकता है. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करा जा सकता है सेफ मदरहुड प्रोवाइड करा के, इन्फेंट मोर्टालिटी रिड्यूस करके, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करके, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज करके, रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, प्रोवाइड सेफ्टी टू क्रिएट सिक्योर एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन. बिना पैसा तो कोई एम्पावरमेंट की वैल्यू बचेगी नहीं ना. सो एक जर्नल आइडिया इसके हिसाब से लिखा जा सकता था. तो उसकी शुरुआत कैसे करिए देखते हैं. राजस्थान इज लैकिंग बिहाइंड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स विद ओनली 39 स्कोर. टू एम्पावर वुमेन राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च्ड CM 7-point प्रोग्राम विच इंक्लूड दिस फॉलोइंग: सेफ मदरहुड, रिडक्शन इन IMR, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एटलीस्ट अप टू 10th क्लास, प्रोवाइड सेफ्टी फॉर क्रिएट सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर वीमेन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो इसके लिए इन्होंने कमेटी भी बनाई थी, एक दो कमेटी बनाई थी बेसिकली. एक कमेटी को तो खुद CM हेड करेंगे, दूसरी कमेटी को चीफ सेक्रेटरी हेड करेंगे टू रिव्यू. सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ 7-point प्रोग्राम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट स्टेट लेवल पे जो कमेटी होगी उसको हेड करेंगे CM फॉर टाइम बाउंड टारगेट्स. कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी उसको हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी टू रिव्यू द प्रोग्राम. Thus, according to United Nations, women spend her 90% earnings on family, hence ensuring good education, health, etc. to her family, which will result in human development. Right, actually W आएगा ये. Right vision and key objectives of Rajasthan Solar Energy Policy 2019. ये इसकी उम्मीद थी क्योंकि ये न्यूज़ में भी था और अभी recently राजस्थान ने कर्नाटक और गुजरात को पीछे छोड़ा है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में. सो देखते हैं. तो राजस्थान रिसीव इंटेंस सोलर रेडिएशन. राजस्थान की जो इंटेंसिटी है सोलर रेडिएशन की वो है 6-7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर अ डे. मतलब एक स्क्वायर मीटर में जो सोलर रेडिएशन आती है उससे 6-7 किलोवाट एक पूरे दिन में जनरेट करा जा सकता है. और राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा सनी डेज है अराउंड 325. और इसमें लो रेनफॉल भी होता है, अबेंडेंस ऑफ बैरन और अनयूटिलाइज्ड गवर्नमेंट लैंड आल्सो. सो राजस्थान बिकेम आइडियल कंडीशन फॉर सोलर एनर्जी. सो इसकी शुरुआत कैसे करिए देखते हैं. राजस्थान रिसीव इंटेंस सोलर रेडिएशन
हैविंग वन ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सनी डेज इन अ ईयर, लो रेनफॉल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट बैरन एंड अनकल्टिवेटेड यूटिलाइज्ड लैंड. टू रीप बेनिफिट्स ऑफ अबव फीचर्स गवर्नमेंट इश्यूड एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019. इट्स विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज. बेसिक नॉर्मल इसके ऑब्जेक्टिव थे, बिना पढ़े भी या उसके इनको थोड़ा बहुत करा जा सकता था. जैसे कि टू डेवलप सोलर पावर इन द स्टेट, टू कंट्रीब्यूटिंग द अचीव द नेशनल टारगेट ऑफ 100 गीगावाट्स कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी. ये कौन से हैं? ये INDC वाले टारगेट, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस. टू प्रमोट न्यू टेक्नोलॉजीज इन सोलर एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज, टू मेक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, टू इनोवेट एंड इन्वेस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा. द स्टेट नॉन फॉर इट्स ड्राई डेजर्ट इज नाउ फास्ट इमर्जिंग एज द बिगेस्ट ऑफ द सोलर पावर. ये बेसिकली ये सब बोल बच्चन मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है. इकोनॉमिक सर्वे एक बड़ा ही अच्छा सोर्स है स्पेशली इकोनॉमी के लिए. हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से देखेंगे. सो ये इसका कंक्लूजन है. द स्टेट नोन फॉर इट्स ड्राई डेजर्ट इज नाउ फास्ट इमर्जिंग एज द बिगेस्ट हब ऑफ सोलर पावर. ड्यू टू सोलर पॉलिसी राजस्थान हैज टॉप्ड इन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, गॉट द स्टेटस ऑफ अचीवर स्टेट इन SDG 7 गोल इन SDG इंडेक्स विद 100% स्कोर. दस सोलर पॉलिसी नॉट ओनली हेल्पिंग इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बट ऑल्सो इन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. सोलर एनर्जी से एक तो हमें फॉसिल्स पर डिपेंडेंसी कम रहेगी, दूसरा क्या होगा कि ये इसका जो रूफ टॉप मॉडल है वो हर जगह काम कर सकता है. जैसे कि कुछ जगह कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी का पहुँचना मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है, वहाँ पर भी रूफ टॉप जैसी सुविधा से वहाँ पे बिजली पहुँचाई जा सकती है. ये गोल नंबर 7 है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. इंडिया का टारगेट 175 गीगावाट, ये उसको पूरा करना था 22 तक. 100% इलेक्ट्रिफाइड विलेज एक्सेट्रा. सो आज के लिए इतना ही है. मिलते हैं अगले लेक्चर में. अगले लेक्चर में हम देखेंगे GS 1 की Unit 3 का सॉल्यूशंस देखेंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर योर सजेशन एंड फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए. कुछ और मुझे इम्प्रूवमेंट करना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और सन लूजेज नथिंग बाई प्रोवाइडिंग सनलाइट एंड योर सब्सक्राइब्स एंड लाइक्स मैटर अलॉट. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Bye-bye. Take care. See you in the next video.